समाज को एकजुट करने व देश की उन्नति में समाज का योगदान और तेली समाज की महिलाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य इस संगठन द्वारा किया जाता है, ऐसा संगठन के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष उमेश नंदलाल साहू ने कहा। तो वहीं मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री संगठन अरविंद गांधी अपना विचार रखते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बाहर से आने वाले तेली समाज के जाति प्रमाण पत्र पर माइग्रेट लिखा जा रहा है, जिससे समाज को सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस विषय में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि ओबीसी प्रमाण पत्र पर माइग्रेट नहीं लिखा जाए और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर अपना सकारात्मक भूमिका दिखाई है। भारतीय तेलिक साहू राठौर महासभा ठाणे जिला एवं डोंबिवली शहर संयुक्त कमेटी के द्वारा विद्यार्थी गौरव कैरियर गाइडेंस व अतिथि स्वागत समारोह कार्यक्रम डोंबिवली पूर्व के ठाकुर हॉल में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी और माँ कर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कि आज महाराष्ट्र में एक समस्या आई है कि जो हमारे तेली समाज के बाहर से आकर बसे हुए लोग हैं, उनको जो ओबीसी की सर्टिफिकेट जो दी जा रही है उसमें माइग्रेट लिखा जा रहा है। उसका परिणाम है कि बाहर से आए हुए लोग माने जा रहे हैं और इनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसी योजना का लाभ नहीं मिला। इसको लेके हमारे जो है एसपी गुप्ता, जो हमारे युवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पश्चिमी जोन के प्रभारी हैं, उमेश नंद लाल साहू जी जो हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रतिलाल गुप्ता जी हैं, प्रदेश मुंबई के अध्यक्ष हमारे होलिल गुप्ता जी हैं और तमाम जो स्थानीय हमारी कमेटियां हैं वो सब लगी हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि हम जो है आपको जो है जो मांग है ये कि हमको यहाँ का जातीय प्रमाण पत्र दिया जाए जिसमें माइग्रेट शब्द न हो, ताकि हमारे समाज को यहाँ का लाभ मिले। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम पूरा करें, अगर नहीं होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को पूरे हिंदुस्तान के संगठन के माध्यम से ज्ञापन दे के ये मांग करेंगे कि महाराष्ट्र में जो तेली समाज के लोग बाहर से आकर बसे हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसे रोका जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के विकास में बाहर से आए हुए जो तेली समाज के लोग हैं विभिन्न क्षेत्रों में काम करके इसको जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये उनका हक है कि यहाँ की जमीन पर रहने वाले जो लोग हैं उनको जो भी अधिकार मिल रहा है उनको मिलना चाहिए, और आज ये भारत के नागरिक के रूप में, आज ये महाराष्ट्र के नागरिक के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का डोंबिवली में जो कार्यक्रम ठाकुर हॉल में चल रहा है, जितने भी पूरे देश में हमारा समाज है, कहीं ना कहीं भारतीय तेली साहू राठौर महासभा से जुड़े हुए अनेक समाज बांधव अपने अपने क्षेत्र में बच्चों के लिए शिक्षा का एक बड़ा कार्यक्रम कैसा हो और बड़े कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा हो कि जहां शिक्षा के विद्वान आ करके स्वयं हो करके उनके सामने उनको उनका मार्गदर्शन करें कि 10वीं 12वीं के बाद ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पढ़ाई किस क्षेत्र में जाए, कौन से फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा वो उन्नति कर सके। तो आज यहाँ पर जो शिक्षा क्षेत्र के जो लोग यहाँ आए विद्वानों के रूप में, उन्होंने अपना बच्चों के बीच में आकर के अपना अमूल्य समय दिया है, ऐसे अलेन और एप्स के जो मार्गदर्शक यहाँ पे जो क्लासेस लेते हैं मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से भारतीय तेली साहू राठौर महासभा की जो यहाँ की इकाई है डोंबिवली की, यहाँ प्रतिवर्ष जो कार्यक्रम लिया जा रहा है बच्चों के शिक्षा के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, ऐसे कार्यक्रम का प्रमुख रूप आज का है। मैं भारतीय तेली साहू राठौर महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष के नाते मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे प्रभावी कार्यक्रम जिससे समाज को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, समाज के उन बच्चों को, देश का भविष्य जो है उनको आगे बढ़ने का मार्गदर्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम उनको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ऐसे कार्यक्रम की हमें आज ज़रूरत है समाज के लिए।